हेलो फ्रेंड्स, ग्रेट ऑनलाइन एकेडमी पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है रविंद्र। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे इन DFCCIL का सेकंड क्लास, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं इंडियन रेलवे के इम्पोर्टेंट सब्सिडीज के बारे में। सो चलिए फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा दी गई हर एक अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे फर्स्ट टॉपिक पर। फर्स्ट टॉपिक है हमारा RDSO। सो बेसिकली RDSO क्या है, यह हमारे लखनऊ में है और इसका मेन वर्क है टेक्निकल एडवाइजरी जारी करना। किसी भी रेलवे के डिपार्टमेंट को अगर वो कोई भी वर्क करती है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, या रेलवे ऑपरेशन या मेंटेनेंस रिलेटेड कोई भी वर्क करती है, तो उसको एक टेक्निकल एडवाइजरी RDSO की फॉलो करनी पड़ती है। RDSO मेनली क्या करता है कि जो भी हमारा वर्क कोई भी डिपार्टमेंट करता है उसको सर्टिफाई करता है कि ये एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो रहा है। अगर वो स्टैंडर्ड वो डिपार्टमेंट फॉलो नहीं करता है तो RDSO उसको सर्टिफाई नहीं करेगा, जिसके वजह से वो वर्क कंप्लीट नहीं माना जाएगा। जैसे कि अगर हमारी रेल व्हील फैक्ट्री में कोई व्हील बनती है, या अगर कॉनकोर जो है हमारा कंटेनर्स बनाता है, या जो भी हमारी वैगन्स बनती हैं इंडियन रेलवे में, ये सारी उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए जो RDSO ने तय किए हैं। इट मींस इंडियन रेलवे के लिए जितने भी स्टैंडर्ड हैं टेक्निकल स्टैंडर्ड, वो सारे RDSO ही तय करता है। RDSO का फाउंडेशन 1921 में हुआ था, अबाउट 100 ईयर्स अगो, और एक वेल रेपूटेड, आज भी सबसे ज़्यादा वेल रेपूटेड इंस्टीट्यूट है। ये आज भी सारे नई चीज़ों या सारी नई टेक्नोलॉजी जो भी रेलवे इम्प्लीमेंट करेगा उनको पहले सर्टिफाई RDSO करता है, तभी वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट जो हमारी सब्सिडरी है वो है IRCON। सो IRCON इंटरनेशनल क्या है, एक्चुअली ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो इंडियन रेलवे में ट्रैक लेइंग का काम करती है। इसने इंडियन रेलवे में अभी तक 2000 किलोमीटर के लगभग ट्रैक्स को बिछाया है, और ये कंपनी काफ़ी पुरानी, अबाउट 45 ईयर्स हो चुके हैं इसको। 1976 में इस कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट हुई है, और इसका हेड क्वार्टर भी आपको याद रखना है कि साकेत दिल्ली में है। साकेत दिल्ली में IRCON का हेड क्वार्टर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक बात और आप लोग याद रखिए कि जो पटना सोनपुर ब्रिज है जो हमारा गंगा रिवर के ऊपर बना है, इसका जो वर्क कंप्लीट किया है वो IRCON ने ही किया है। ये काफ़ी फेमस ब्रिज है, जिसमें ऊपर आप देख सकते हैं थर्ड पिक्चर में कि ऊपर इसमें रोड्स हैं और नीचे जो है ब्रिज है उसमें नीचे ट्रेन चलती हैं। सो ये ब्रिज काफ़ी लंबा है और इसमें दोनों कनेक्टिविटी है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट ब्रिज हो जाता है। IRCON को काफ़ी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मलेशिया का जो प्रोजेक्ट है, जो डबल ट्रैक प्रोजेक्ट बनाने का काम था सेरम्बन और जेमस सिटीज़ के बीच में, IRCON ने हाल ही में कम्प्लीट किया है। सो ये भी IRCON का एक बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। और मेन इससे जो क्वेश्चन आ सकता है वो यही आ सकता है कि इंडियन रेलवे में ट्रैक लेइंग के लिए कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा काम करती है। तो सबसे ज़्यादा काम कौन करता है, IRCON। और एक क्वेश्चन और आ सकता है कि ये जो JP सेतु है जो पटना सोनपुर को जोड़ता है, इसको किसने कंप्लीट किया है, सो IRCON ने कंप्लीट किया है। सो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिस। क्रिस क्या है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस देने के लिए कंपनी है इंडियन रेलवे को, जिसका काम सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डेवलपमेंट होते हैं। क्रिस ने जो बेसिक या इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स किए हैं इंडिया के लिए वो है कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम। जो कंप्यूटर्स हैं हम आज के समय में सारे विंडोज़ पे देखते हैं कि रिजर्वेशन सिस्टम वो लोग करते हैं कंप्यूटर से, वो सबसे पहले क्रिस ने ही बनाया था। उसके पहले दूसरे तरीके का रिजर्वेशन सिस्टम जो इंडिया में फॉलो होता था वो विदाउट कंप्यूटर था, और उसमें इंफॉर्मेशन लिंक्ड नहीं होती थी,
कि कितने टिकट्स बुक हो चुके हैं, ये बार बार चेक करना पड़ता था उनको। सो बेसिकली कंप्यूटर से वो सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। क्रिस ने एक इम्पॉर्टेंट जो प्लेटफॉर्म बनाया है, नेक्स्ट जनरेशन ई टिकटिंग, आज के समय में IRCTC इसको यूज़ करता है। सो आप जो है इंटरनेट के थ्रू आप घर बैठ के भी अपने टिकट को बुक कर सकते हैं। ये डेवलपमेंट जो है क्रिस ने ही किया है और IRCTC इसी को फॉलो करता है आज। सो इसी के वजह से कोई भी पर्सन अपने घर से टिकट को बुक कर सकता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है क्रिस का, वो है ई दृष्टि। ई दृष्टि बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो क्रिस ने बनाया था टॉप मैनेजमेंट के लिए। टॉप मैनेजमेंट ई दृष्टि की मदद से किसी भी जगह पे जो CCTV है रेलवे का, उसको एक्सेस कर सकती थी और वो देख सकती थी कि वहाँ पे वर्क क्या चल रहा है। इससे मैनेजमेंट में बहुत ही हेल्प होती थी। सो इसी का एक एक्सटेंशन है रेल दृष्टि, जिसको एक कॉमन पर्सन भी यूज़ कर सकता है, कॉमन सिटीज़न इंडिया का जो इंडियन रेलवे का मैनेजमेंट में नहीं है, वो भी इसको यूज़ करके देख सकते हैं कि इंडियन रेलवे में जो उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि जो किचन सर्विस है, वो अगर खाना ऑर्डर करने वाले हैं, सो अगर जो नेक्स्ट स्टेशन से खाना आने वाला है, वो देख सकते हैं कि वहाँ पे खाना इस वक्त कैसे बन रहा है। लाइव टेलीकास्ट वो रेल दृष्टि की मदद से देख सकते हैं। और इससे आप ये भी देख सकते हैं कि इंडिया में कौन सी ट्रेन अभी कहाँ पे है, कहाँ पे कौन कौन सी ट्रेन खड़ी है और कौन कौन सी ट्रेन चल रही है। ये सारी चीज़ें आप कॉमनली एक साथ एक मैप पे देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें पहले सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के लिए थी, बट कॉमन सिटीजन से रिलेटेड चीज़ें जो रेल दृष्टि से ओपन कर दी गई हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आपने अगर इसको यूज़ नहीं किया तो आप इसको यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो है कॉनकोर। कॉनकोर क्या है? कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी जो है इंडिया में तब बनाई गई थी जब इंडिया में कार्गोस को एक्सपोर्ट करने में या कार्गोस का ट्रांसपोर्टेशन इंडिया में सेफली करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। सो 1988 में कॉनकोर को बनाया गया था कि उन कार्गोस को हम कंटेनराइज कर सकें, जिससे कि हमको जो भी चीज़ें, जो भी सामान हमको ट्रांसपोर्ट करना है, वो सेफली एंड विद इन टाइम एट अ प्रॉपर स्पीड ट्रेन्स को चला के हम भेज सकें। सो कॉनकोर का बेसिक काम यही होता है। आप देख सकते हैं थर्ड पिक्चर में आपको एक डबल कंटेनराइज वैगन दिखेगा, जिसमें दो कंटेनर्स रखे हुए हैं और ये डबल डेक है। सो आप ये कभी भी एक दूसरे से, मतलब ये नीचे नहीं गिर सकते क्योंकि इनकी इंटरलॉकिंग बहुत ही ज़बरदस्त होती है। सो ये कार्गोस और या कंटेनर जो हैं वो कहीं पे भी ट्रेन्स को बहुत तेज़ी से चला के भेजे जा सकते हैं। सो कॉनकोर का बेसिक काम यही होता है। इससे जो क्वेश्चन आएंगे वो यही आएंगे कि इंडियन रेलवे में कंटेनर्स बनाने का जो काम है वैगन्स के लिए, वो कौन सी कंपनी करती है? सो करती है कॉनकोर। और इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1988 में हुई थी, ये भी ध्यान रखना है। और इसके बाद से ही जो हमारा जो मालगाड़ियों का मुनाफा है वो इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ा था, इसलिए कॉनकोर का बहुत ही ज़बरदस्त रोल है इंडिया के जो फ्रेट कॉरिडोर है इसके डेवलपमेंट के लिए। चलिए, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है IRCTC। सो IRCTC की बेसिकली आप सभी लोग IRCTC का वेबसाइट ज़रूर यूज़ किए होंगे। आप सभी लोग को पता होगा कि ऑनलाइन टिकट अगर हमको बुक करना है तो IRCTC की वेबसाइट से ही होता है। और ये नेक्स्ट जनरेशन ई टिकटिंग का सिस्टम यूज़ करती है। हमारे इंडिया में जो भी टिकट बुक्स होते हैं, ये 120 डेज के पहले आप किसी भी ट्रेन का टिकट जो है बुक नहीं कर सकते। मीन्स एटलीस्ट 4 मंथ्स आपको चाहिए किसी भी ट्रेन को, जब भी वो उसका डिपार्चर है उसके 4 मंथ पहले ही आप बुक कर सकते हैं। सो IRCTC का जो मेन काम है वो है टिकटिंग, कैटरिंग एंड टूरिज्म। कैटरिंग मतलब जो भी हमारी इंडियन रेलवे में फूड सर्विसेज हैं, वो सारी चीज़ों को, सर्विसेज को प्रोवाइड करती है IRCTC।
और IRCTC जो हमारी माउंटेन रेलवेज हैं या जो हमारी स्पेशल डिलक्स ट्रेन्स हैं उनकी टिकट बुकिंग के लिए, जैसे कि महाराजा एक्सप्रेस है उसकी टिकट बुकिंग, और जो हमारी नीलगिरी ट्रेन्स हैं, जो हमारी कालका शिमला ट्रेन है, माउंटेन रेलवे, वो सभी की बुकिंग भी टूरिज़्म के पर्पज़ से वो अलग से होती है IRCTC के थ्रू। और IRCTC टूरिज़्म को बहुत ही प्रमोट करती है इंडिया में, ताकि इंडिया का जो टूरिज़्म सेक्टर है वो डेवलप हो सके और इंडियन रेलवेज़ को भी उसका फ़ायदा हो। सो IRCTC एक तरीके से इंडियन रेलवे की एक ऐसी सब्सिडरी जो कई कामों को करती है और इंडियन रेलवे के प्रमोशनल एक्टिविटी की तरह ये सारे कामों को करती है। IRCTC ने अभी हाल ही में, जब से मोदी की गवर्नमेंट आई है, तब से 2014 के रेल बजट के बाद से IRCTC ने 3 प्राइवेट ट्रेन्स को भी चलाया है। ये ट्रेन्स आपसे पूछी जा सकती हैं, क्योंकि ये 3 ट्रेन जो हैं इंडिया में पहली 3 प्राइवेट ट्रेन्स हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। हर एक ट्रेन, जो फर्स्ट ट्रेन है हमारी लखनऊ न्यू दिल्ली तेजस एक्सप्रेस के बारे में सभी लोग जानते होंगे। सो जो हमारी जो 2 तेजस एक्सप्रेस हैं वो गवर्नमेंट है, 2 हैं प्राइवेट। सो जो 2 प्राइवेट हैं वो IRCTC चलाती है, और जो 2 गवर्नमेंट हैं वो इंडियन रेलवेज चलाती है। सो लखनऊ न्यू दिल्ली तेजस एंड अहमदाबाद मुंबई तेजस, ये दोनों जो प्राइवेट ट्रेन्स हैं ये IRCTC के अंडर आती हैं। इनकी टिकट बुकिंग भी IRCTC करता है। और जो काशी महाकाल हम सफ़र एक्सप्रेस है, इसकी टिकट बुकिंग भी IRCTC करता है, और ये भी IRCTC के ही द्वारा चलाई गई एक प्राइवेट ट्रेन है। सो इनका जो नंबर है वो आपको याद रखना है। फर्स्ट नंबर पे जो हमारी ट्रेन चली थी वो लखनऊ से न्यू दिल्ली के लिए प्राइवेट ट्रेन चली है, सेकंड अहमदाबाद और मुंबई के लिए चली है। ये दोनों तेजस ट्रेन जो है आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है DFCCIL की हम सब लोग तैयारी कर रहे हैं। और DFCCIL जो है हमारे इंडियन रेलवे का एक इम्पॉर्टेंट सब्सिडरी है, जिसका जो मेन पर्पस है वो है इंडिया में किसी भी सामान को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के थ्रू 24 आवर्स में पहुंचा देना। ये DFCCIL की जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसका मेन मोटो है। और DFCCIL जो है हमारा एक इम्पॉर्टेंट सब्सिडरी है, जिसको 70% इंडियन रेलवे का फ्रेट जो ट्रैफिक है वो 70% मिलने वाला है DFCCIL को आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ DFCCIL प्रोजेक्ट। सो DFCCIL के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो हम लोग देखते हैं। हालांकि ये एक सिर्फ शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, इसमें मेरा एक डिटेल्ड लेक्चर पूरा DFCCIL की सीरीज पे आएगा, जिसमें 1 से 2 लेक्चर मैं पूरे कवर करूंगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो उससे ज़्यादा लेक्चर्स भी लिए जाएंगे। सो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। सो DFCCIL जो है, पहली चीज़ की याद रखनी है कि 30 अक्टूबर 2006 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, और इसका जो मेन काम है वह है प्लानिंग डेवलपमेंट मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये जो भी हमारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इंडिया में बनाए जा रहे हैं उनकी प्लानिंग करना, मतलब उनको कंस्ट्रक्ट करवाना, उनका डेवलपमेंट जो भी करवाना है, उनका मेंटेनेंस और ऑपरेशन ट्रेन्स का सब कुछ DFCCIL को करवाना है। इंडियन रेलवे में जो हमारा फ्रेट ट्रैफिक है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, इसीलिए DFCCIL को इस्टेब्लिश किया गया था 2006 में। DFCCIL का जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है आज के समय वो कोल ट्रांसपोर्टेशन से आता है। और DFCCIL के 2 कॉरिडोर हैं, एक वेस्टर्न कॉरिडोर और ईस्टर्न कॉरिडोर। वेस्टर्न कॉरिडोर जो है हमारा वो दादरी यूपी में है, वहाँ से लेकर JNPT मुंबई तक है। सो वेस्टर्न कॉरिडोर मतलब जो वेस्ट इंडिया की तरफ जाता है, और ईस्टर्न कॉरिडोर मतलब जो ईस्ट इंडिया की तरफ जाएगा। सो ईस्टर्न कॉरिडोर हमारा लुधियाना पंजाब से स्टार्ट होकर डानकुनी वेस्ट बंगाल तक जाएगा। सो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट कहाँ कब हुई थी,
और इसका मेन पर्पस क्या है, और इसको जो भी चीज़ें मिलने वाली हैं वो 70% जो ट्रैफिक मिलने वाला है उसमें DFCCIL का जो रोल है वो क्या क्या है। प्लस आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि जो DFCCIL है इस पर जो हम प्रपोज्ड ट्रेन लोड जो हम लेके जाएंगे वो है 13,000 टन्स, मतलब एक ट्रेन पर हम टोटल 13,000 टन्स को हम ट्रांसपोर्ट करेंगे। एक जो हमारा ट्रक है वो सिर्फ 10 टन तक के उसको लोड को लेके जा सकता है, और जो हमारी DFCCIL में जितने भी हमारी फ्रेट ट्रेन्स होंगी वो सारी की सारी 13,000 टन्स के लोड को लेके जाएंगी। और ये सारा सिस्टम ब्रोज गेज नेटवर्क पे ही बनता है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो भी हमारी फ्रेट ट्रेन्स हैं वो सारी ब्रोड गेज पे ही चलती हैं, जिसकी जो लेंथ होती है वो 1.67 मीटर होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। DFCCIL की जो सीरीज़ मैं लेके आऊँगा उसमें भी आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी, दोबारा से बताई जाएंगी, आपको बस इन चीज़ों को फॉलो करते जाना है ताकि आप लोग हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL में कंप्लीट मार्क्स, जो 24 मार्क्स हैं, जो मेरा एम है, जो मैंने नोट्स बनाए हैं, आप लोग उसको फॉलो करके ला सकें, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से फॉलो करते रहिए। चलिए, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो। इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपको ये लेक्चर कैसा लगा ये भी आप लोग मुझे ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।